पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उरी हमले के बाद से ही पाक की ओर से संघर्ष विराम उल्लंघन की घटनाएं लगातार जारी है। देर रात भी जम्मू के आरिसपुरा और अरनिया सेक्टर में रात भर फायरिंग की गई और अभी भी रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। इस गोलीबारी में बीएसएफ के कांस्टेबल जितेंद्र कुमार शहीद हो गए हैं। जितेंद्र बिहार के मोतिहारी के रहने वाले थे। वहीं पाकिस्तान की तरफ से जो मोर्टार दागे गए उनमें से एक आरिसपुरा सेक्टर के अब्दुलियन में एक घर पर गिरा। इसी मोर्टार हमले में 6 लोग घायल हो गए। रात भर फायरिंग होने के बाद गुरुवार सुबह 6:15 पर गोलीबारी रुकी। इस फायरिंग में बीएसएफ की 14 से 15 चौकियों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान अब्दुलियन में हुआ। वही अरनिया सेक्टर में भी पाकिस्तान ने मोर्टार से फायरिंग की। इस फायरिंग में कुछ मवेशियों के मारे जाने की खबर है और कई घरों को नुकसान भी पहुंचा है। हालांकि बीएसएफ के जवान इसका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान कहता है कि वह अमन और शांति परस्त मुल्क है और वह कश्मीर में शांति चाहता है, वहीं दूसरी तरफ आए दिन उसके सैनिक सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के दोहरे चेहरे को साफ दिखाता है। देखते रहिए टीवी लाइव।